राइट, एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों ने अभी ट्वेल्थ पास की है, बहुत सारा क्राउड है जो ट्वेल्थ से अभी अभी एग्जाम जो है पास तो क्या किए, एग्जाम दिए, उम्मीद करती हूँ पास भी हो जाएंगे. बच्चों आप सबके सामने दो रास्ते हैं, ये खास उन लोगों के लिए जो लोग ट्वेल्थ कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसके भाई बंधु ने की है या बच्चे खुद भी सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं. ट्वेल्थ के बाद ना बच्चों दो रास्ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंगे. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कोई भी रास्ता खराब है, आप चाहें ग्रेजुएशन की तरफ जाएं, आप चाहें बाद में पीजी करें, आप चाहें तो बारहवीं के तुरंत साथ साथ, तुरंत होते होते बारहवीं हुई है और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें. इसमें ना बच्चों ये नहीं होता कि कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत है, ये सारी चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप सोसाइटी के किस स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं. अगर आप वेल टू डू हैं, बहुत अच्छे रिच परिवार से हैं, तो आप चाहें तो किसी भी रास्ते पे जाएं, कोई दिक्कत नहीं होनी. लेकिन अगर आप एक आम परिवार को बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपके फादर आपका खर्चा उठा रहे हैं और अगर वो नहीं कमाएंगे तो घर चलना मुश्किल होगा, या आपके पिताजी खेती करते हैं, या आपके पिताजी कहीं नौकरी करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं होती बच्चों, मेरे फादर भी एक जॉब पर ही थे, एक सरकारी नौकरी पर थे. परिमल सर जो है इनके फादर किसान थे, ये कोई बुरी बात नहीं है, ना ही इसमें कोई हीनता की बात है, ये सिर्फ जिंदगी को देखने का एक सलीका, एक तरीका है. अगर आपका परिवार बिल्कुल एवरेज है, आपको लगता है कि यार मेरा कमाना जरूरी है, कुछ ही सालों में मेरे पेरेंट्स बहुत लंबे टाइम तक मेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो उस कंडीशन में मेरा पर्सनल ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके इंसान को नौकरी की कोशिश करनी चाहिए. और ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं बच्चों, बहुत सारे. आप HSSC में, SSC में, आप रेलवे में, बैंक में, बहुत सारी नौकरियां हैं जहां की आप एलिजिबल हैं. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े सपने देख लेते हैं, इनको पूरा करते करते वो हताशा से ग्रसित हो जाते हैं और जिसका कहीं ना कहीं लंबे टाइम में उनके जीवन पर, उनके पेरेंट्स पर, हर चीज़ पर असर आता है और इसका नुकसान सीधा इस पूरे समाज का होता है. तो सबसे पहले बच्चों अपना आकलन करो कि मैं क्या हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कितना पैसा लगा सकते हैं, मैं अपने ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ. अगर आपको लगता है आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, आपके पिताजी जो हैं वो खेती या इस तरह के छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सबसे बेहतरीन रास्ता है आप बारहवीं के तुरंत बाद नौकरी की कोशिश कीजिए. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप IAS बन जाएंगे. IAS बनना है तो फिर आपको मेहनत अलग तरीके से करनी पड़ेगी. सबसे पहली ज़रूरत होती है पैरों पर खड़े होना बच्चों. जो बच्चे बारहवीं के तुरंत बाद नौकरी लग जाते हैं, उनके लिए रास्ते ज़्यादा खुलते हैं और वो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं, क्योंकि बारहवीं के तुरंत बाद नौकरी मिलने से आपको समाज में एक अलग तरह की इज्जत, एक अलग तरह की इंपॉर्टेंस आपकी फैमिली भी देने लगती है. जो अर्निंग हैंड होते हैं 18-19 साल में, उनको समाज समझदारों की श्रेणी में समझने लगता है और अच्छी बात है, क्योंकि उनके भटकने के चांसेस कम होते हैं. तो ये आपकी लाइफ है, आपका टाइम है और ये टाइम बार बार नहीं आता बच्चों. इसको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के इस टाइम को अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करो अपने ऊपर और लाइफ में काबिल बनो. नेगेटिव लोगों से हमेशा बच के रहो, क्योंकि नेगेटिव लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला सकते हैं. ऐसे लोगों से सोशल साइट्स पर, या आपका कोई पर्सनल इस तरह का फ्रेंड है जो आपको लगता है यार मुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है, या आपको हमेशा डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, वो कितने ही आपके सगे हों, आप उन्हें छोड़ दीजिए. उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वो लंबे टाइम में जाके आपको अपनी ही श्रेणी पर ले आएंगे. पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ढंग से खाइए पिए, अपने ऊपर काम कीजिए और इस टाइम में, ये जो टाइम आप लोग जी रहे हैं, इसको अपने इन्वेस्टमेंट मानिए अपने ऊपर. खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है? ऑल द बेस्ट.